सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल की सबसे खतरनाक मानी जा रही टीम आरसीबी अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम के केकेआर ने 7 गेंदे शेष रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। ऐसे में अब सभी आरसीबी फैंस सोच रहे हैं कि आखिर हार की वजह क्या रही। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान कोहली ने हार की वजह बताई है। जी हाँ, कोहली ने हार का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए कहा है कि मैंने बहुत सारी डॉट बॉल खेली जिसके चलते मोमेंटम नहीं बन पाया। इस दौरान कोहली थोड़े इमोशनल भी हो गए थे। फिलहाल तो कोहली ने हार का जिम्मा अपने सर ले लिया है, लेकिन जीतने के लिए पूरी टीम को परफॉर्म करना बेहद जरूरी है। अगर आने वाले मुकाबलों में आरसीबी को जीत हासिल करनी है तो पूरी टीम को उम्दा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हालांकि आरसीबी के पास इस साल आईपीएल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की सेना है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।